हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम हेल्पिंग हैंड एमबीबीएस और आज हम डिस्कस करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ नॉर्मल कार्डियोग्राम और इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट। तो कार्डियोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए हम जो एपरेटस यूज़ करते हैं उसमें हम एक बोर्ड होता है मायोग्राफ बोर्ड, जिस पर हम स्टारलिंग हार्ट लिवर, जो कि बहुत मेन चीज़ है इस एक्सपेरिमेंट में, स्टारलिंग हार्ट लिवर जो है उस पर फिक्स करते हैं। और स्टारलिंग हार्ट लिवर को फिर हम उससे फ्रॉग के हार्ट से कनेक्ट कर देते हैं। तो जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो स्टारलिंग हार्ट लिवर की, इस एक्सपेरिमेंट की खास बात है कि जो जब भी कॉन्ट्रैक्शन होती है तो जो हार्ट स्टारलिंग हार्ट लिवर है वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो जब वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होता है तो वो अलग अलग फेजेस होते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के पहले जो है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जो हमारा पहला डिफ्लेक्शन है नीचे की तरफ, ये हमारा एट्रियल सिस्टोल की वजह से है। और जब ये ऐसा दोबारा राइज करता है तो ये एट्रियल डायस्टोल है। तो इसी दौरान फिर हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा है तो इस बार डिफ्लेक्शन ज़्यादा आती है, तो ये हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बता रहा है। उसके बाद ये जो लाइन अब ऊपर जा रही है ये वेंट्रिकल डायस्टोल के बारे में बताएगी हमको। तो ये है हमारा नॉर्मल कार्डियोग्राम। एट्रियल सिस्टोल में वो नीचे आता है और वेंट्रिकल सिस्टोल में भी वो नीचे आता है, पर ज़्यादा नीचे आता है। अब हमें देखना है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखने के लिए ये ग्राफ हमें दिखा रहा है कि जब हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री है तो हमारा ये ग्राफ नॉर्मल है। उसके बाद जब हमने टेम्परेचर 35 डिग्री कर दिया तो जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी है कॉन्ट्रैक्शन की, ये बढ़ गई है, मतलब रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो इसकी डेप्थ है वो ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ देख सकते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की एज़ कम्पेयर टू दिस केस। तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर हम कोल्ड कर देते हैं, जैसे कि 15 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तो हमारा आप देख सकते हैं कि जो रेट ऑफ़ कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो गया है, जो कि यहाँ ये नॉर्मल रेट ऑफ़ कॉन्ट्रैक्शन था और ये अब कोल्ड में रेट ऑफ़ कॉन्ट्रैक्शन है जो कि अब कम हो गया है। ये होता है हमारा 15 डिग्री सेल्सियस पे कोल्ड में। तो ये है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ऐसा क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने से कि जो हमारा रेट और स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है? तो उसके दो रीज़न्स है, वो अभी हम देखते हैं। तो यहाँ आपको दिखेगा कि जो इफ़ेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है। रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होती है क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है फ्रॉग का, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, वो मैं पहले आपको वो दिखाता हूँ। तो हमारे हार्ट के पांच पार्ट्स होते हैं, फ्रॉग के हार्ट के पाँच पार्ट्स होते हैं। साइनस वेनोसस, दो ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। तो जो हमारा कार्डियक पेसमेकर होता है इसके फ्रॉग के केस में, वो साइनस वेनोसस में होता है। और अब हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो हमारा पेसमेकर है उसमें सोडियम इन्फ्लक्स ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ़ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी, क्योंकि डीपोलराइजेशन अब जल्दी होगी। और जो दूसरा है वो है हमारा डिक्रीज्ड विस्कोसिटी। हमको पता है कि अगर विस्कोसिटी कम हो जाती है तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है, और रेजिस्टेंस कम होगी तो हार्ट तेज कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इसीलिए हमारा रेट ऑफ़ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है। इन दो रीजंस की वजह से, इंक्रीज सोडियम इन्फ्लक्स एंड डिक्रीज्ड विस्कोसिटी। अब हमें देखना है कि स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्यों बढ़ती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। उसका रीज़न है कि हमारा कैल्शियम ईफ्लक्स जो होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। और दूसरा वही रीज़न कि विस्कोसिटी कम होती है तो अब कम रेजिस्टेंस है, तो हार्ट की जो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके जिसके अगेंस्ट वो ऐसा पंप कर रहा है वो रेजिस्टेंस अब कम हो गई है। तो ये दो रीज़न है हमारे स्ट्रेंथ बढ़ने के, और ये दो रीज़न है हमारे रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने के। अब इफ़ेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर जो है वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, वो आप लिख सकते हैं कि रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विल डिक्रीज एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विल डिक्रीज, और इनका उल्टा हो जाएगा कि डिक्रीज सोडियम इन्फ्लक्स एंड इंक्रीज विस्कोसिटी, डिक्रीज कैल्शियम इन्फ्लक्स एंड इंक्रीज विस्कोसिटी। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस एक्सपेरिमेंट में वाइवा में हमसे पूछा जाता है बार बार, वो ये है कि अगर हम वेंट्रिकल्स को हीट करेंगे तो क्या फ़र्क आएगा रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पे। तो क्योंकि हमें पता है कि जो पेसमेकर है हमारा वो साइनस वेनोसस में लोकेटेड है, वेंट्रिकल्स में हमारा पेसमेकर नहीं होता है, तो
नॉर्मली नहीं होता है वो। अभी हम अगले एक्सपेरिमेंट्स में डिस्कस करेंगे कि अगर हम साइनस वेनोसस वाले पेसमेकर को अगर हम ऐसा स्टॉप कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं तो बाकी सेकेंडरी पेसमेकर्स काम करते हैं। पर नॉर्मली क्या होता है, जब भी हमारा साइनस वेनोसस फंक्शन कर रहा है और अगर हमने वेंट्रिकल्स को हीट किया तो जो हमारा रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो तो सेम रहेगा क्योंकि साइनस वेनोसस का टेम्परेचर सेम है, तो सोडियम इन्फ्लक्स ज़्यादा नहीं हो पाएगा वहाँ पे और विस्कोसिटी भी कम नहीं हो पाएगी, तो रेट ऑफ़ कॉन्ट्रैक्शन पे नो इफेक्ट होता है। और स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है क्योंकि वेंट्रिकल्स, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड करती है मसल पे, तो हमारा कैल्शियम इफ्लक्स बढ़ता है वेंट्रिकल्स की मसल में और विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो ये हो गया हमारा इसका रीज़न। अब हम फ्रॉग के हार्ट का कुछ जनरल पार्ट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फ्रॉग के हार्ट के 5 पार्ट्स होते हैं, साइनस वेनोसस, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो अभी हमारे आगे एक्सपेरिमेंट्स में हम देखेंगे, वाइट क्रिसेंट लाइन। वाइट क्रिसेंट लाइन क्या होता है, इट इज़ जस्ट अ लाइन प्रेजेंट बिटवीन ऑरिकल एंड साइनस वेनोसस। और इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे हमारे पोस्ट गैंग्लियोनिक वेगल फाइबर्स जो होते हैं वो अराइज करते हैं, मतलब प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आए, गैंग्लियन बना वाइट क्रिसेंट लाइन के आसपास और उसके बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर यहाँ से अराइज होते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें यही सब पढ़ना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।